अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 फेज टू का, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 टू मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई एंड एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज आर, देन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू। तो ये N1 और N2 जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं इन दो मीडियम्स के, ये हैं एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उन मीडियम के। अब जब वो मीडियम वन से मीडियम टू में जाएगी लाइट, तब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? वो आएगा टू का विद रिस्पेक्ट टू वन। व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, जब हम स्नेल लॉ लगाएंगे तब हमको मिलेगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। वन में फॉर्म होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू में फॉर्म होगा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, बिकॉज द रे इज पासिंग फ्रॉम वन इन टू मीडियम टू। तो 1 mu 2 will be equal to sin I upon sin R। अब यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लगा दें, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो दिस 1 mu 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज V1 अपॉन V2, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। V इज इक्वल टू होता है n लैम्डा, फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है रिफ्रेक्शन में, तो V1 कैन बी रिटन एज n लैम्डा 1, V2 कैन बी n लैम्डा 2, एन विल कैंसिल आउट, तो हम लिखेंगे लैमडा 1 अपॉन लैमडा 2। इस चेन को, फॉर्मूले को याद कर लेना चाहिए। 1 म्यू 2 इज साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन सेकेंड मीडियम। आप चाहें तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ आई एंड आर। फिर वेलोसिटी की टर्म्स में, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ यू कैन राइट वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन सेकेंड मीडियम। एक फॉर्मूला और होता है और वो हमको मिलता है जब हम वो डेरिवेशन करते हैं रिफ्रेक्शन थ्रू सेवरल पैरेलल मीडियम। तब यही चेन में हमको यहां पर क्या लिखना है, इस मीडियम टू का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 अपॉन इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1। तो आप देख रहे हैं वेलोसिटी में, लैम्डा में, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस में, न्यूमरेटर में सब वन वाली क्वांटिटीज, जबकि इसमें N1 नीचे होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे यदि बोले फाइन W म्यू जी, तो ये रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट, दिस इज रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। जब किसी मीडियम का एयर के अलावा किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में फाइन करते हैं तो वो होता है रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो W म्यू जी इज रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। इस चेन जैसा इसको एक्सपैंड करना आप चाहते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा W अपॉन साइन थीटा जी, एंगल फॉर्म्ड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन एंगल फॉर्म्ड इन सेकेंड मीडियम। रिफ्रेक्शन कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास। इसको यदि आप याद रखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। इसको यदि आप ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, डब्ल्यू म्यू जी यदि आपको लिखना है तो यू कैन राइट साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन वाटर अपॉन साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन ग्लास। आप चाहें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसे और इसे एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी की टर्म्स में आप लिखेंगे इसे VW अपॉन VG, वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, लैम्डा की टर्म्स में लैम्डा W अपॉन लैम्डा G, वेवलेंथ इन वाटर अपॉन वेवलेंथ इन ग्लास, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में हम इसे ऊपर कर देंगे A μg, मतलब ग्लास का एब्सोल्यूट अपॉन वाटर का एब्सोल्यूट। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था 1 म्यू 2 विल बी साइन आई अपॉन साइन आर और V1 बाई V2 और लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 और N2 बाई N1। बस यहां ध्यान रखेंगे ये ऊपर पहुंच जाता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये न्यूमरेटर में आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर में आएगा, एंड सो आंसर विल बी N2 बाई N1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 फेज 2, लाइट वेव्स प्रोजेक्टेड ऑन ऑयल सरफेस शो 7 कलर्स ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। तो यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, पोलराइजेशन, रिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस। यदि इसमें डिस्पर्जन लिखा होता तो जनरली बच्चे 7 कलर्स सुनकर डिस्पर्जन सही होगा ऐसा मानकर उसे टिक कर देते हैं, पर उसका आंसर डिस्पर्जन नहीं है। ऑयल फिल्म पर जब कोई लाइट प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें से कुछ लाइट हो जाती है ट्रांसमिट और कुछ हो जाती है रिफ्लेक्ट। जैसे ये ऑयल फिल्म है, थिन ऑयल फिल्म, इसके ऊपर लाइट हम इंसिडेंट करेंगे तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ रिफ्रेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये दो जो लाइट हैं इनके बीच इनका होता है सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है और इंटरफेरेंस की वजह से हमको
सेवन कलर्स दिखाई पड़ते हैं। तो इसकी थ्योरी में नहीं जाना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट थ्योरी है। ट्रांसमिटेड लाइट में भी और रिफ्लेक्टेड लाइट में भी, दोनों में हमको कलर्स दिखाई पड़ते हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस, याद रख लेना चाहिए। ऑयल सरफेस, ऑयल फिल्म सुने, ऑयल सरफेस सुने, सेवन कलर्स सुने, तो हमको टिक कर देना चाहिए इंटरफेरेंस। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको रटने में भी बुराई नहीं है कि व्हेन लाइट वेव्स आर प्रोजेक्टेड ऑन ऑयल सरफेस और ऑयल फिल्म सेवन कलर्स आर सीन ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। 2014 फेज वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ रियल इमेज, रियल इमेज क्या होती है? तो रियल इमेज मतलब वो जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जहाँ रिफ्रेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट होती हैं, वो कहलाती है रियल इमेज। स्टेटमेंट्स क्या लिखे हुए हैं? कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। टू इज ऑलवेज मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, ये बात जरूर गलत लिखी हुई है, वो हमेशा मैग्नीफाई होती है, मैग्नीफाइड होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी वो डिमिनिश्ड और कभी कभी सेम साइज भी हो सकती है। जैसे कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यदि ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो इमेज बनता है बिटवीन सी एंड एफ, विच इज रियल एंड डिमिनिश्ड। सी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, सेम साइज, और सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो बियॉन्ड सी होता है, एनलार्ज्ड होता है। तो रियल इमेज कैन बी मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड और ऑफ सेम साइज। इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड तो वो इसलिए ऑब्जेक्ट वो इन्वर्टेड होती है, हमारा परसेप्शन नहीं लगाना है, ऑब्जेक्ट के रिलेटिव वो इन्वर्टेड होती है। तो इसमें से भी आधी बात सही लिखी हुई है, ये बात गलत लिखी हुई है कि वो हमेशा मैग्नीफाइड होती है। तो हमको आंसर क्या करना पड़ेगा, ओनली वन कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इट मे बी मैग्नीफाइड, इट मे बी ऑफ सेम साइज, समटाइम्स डिमिनिश्ड ऑल्सो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 फेज वन। इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स द लेंसेस आर यूज टू फॉर्म इमेज बाय द फिनोमेना ऑफ। तो लेंस के बारे में याद रखें कि लेंस रिफ्रेक्टिंग एलिमेंट है, इसमें रिफ्रेक्शन का फिनोमेना होता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें लेंसेस यूज होते हैं उसमें कौन सा फिनोमेना हो रहा होगा, रिफ्रेक्शन का। यदि वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें मिरर भी यूज होगा, मिरर भी यूज होगा तो रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रेक्शन भी होगा। पर हाल फिलहाल यहाँ बोला हुआ है कि ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें केवल लेंस ही यूज हुए हैं, तो रिफ्रेक्शन का फिनोमेना होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्केटरिंग से क्या होता है, तो आपने सुना होगा स्काई लुक्स ब्लू, स्काई अपियर्स ब्लू ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ स्केटरिंग। डिफ्यूजन अभी हमने बात किया था, डिफ्यूज होने का मतलब होता है फैल जाना। तो अखबार हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, तो उसमें लाइट का डिफ्यूजन ही हो रहा होता है, बाहर से लाइट अखबार पर गिरती है और हर डायरेक्शन में, सब डायरेक्शंस में वो फैल जाती है, तो लाइट के फैलने को कहते हैं डिफ्यूजन। स्केटरिंग से आसमान नीला दिखाई देता है, लेंसेस में होता है रिफ्रेक्शन और रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है मिरर्स में, प्लेन मिरर्स में और स्फेरिकल मिरर्स में और पैराबोलिक मिरर्स में। तो मिरर्स में रिफ्लेक्शन, लेंसेस में रिफ्रेक्शन, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्केटरिंग, और डिफ्यूजन से हम न्यूज़पेपर देखते हैं या दुनिया में जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन से हम चीज़ें देखते हैं उसमें यही फिनोमेना हो रहा होता है डिफ्यूजन का। एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पर बेस, 2014 फेज वन। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वुड बी। तो रिफ्रेक्शन करवाएंगे फ्रॉम एयर इंटू ग्लास, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा, वो आएगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। और वो क्या लिखेंगे हम, यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लगा दें मैक्सवेल की, तो विल राइट वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। एयर में लाइट की स्पीड को कभी कभी सी भी लिख दिया जाता है, यही फॉर्मूला आपको ऐसा भी दिखाई पड़ेगा, एम यू जी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, सी बाई वी, बस वैल्यूज ही पुट करनी है। एम यू जी इज गिवन, कितना दिया हुआ है 1.5, इफ नथिंग इज सेड, यह है ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, सो दिस इज 1.5, सी इज ऑल्सो गिवन, सी कितना है 3×10⁸, हमको चाहिए वी, तो ऑब्वियसली वी कितना हो जाएगा 3×10⁸ अपॉन 1.5, एंड सो द आंसर वुड बी
2 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कम हो गई क्योंकि वो लाइट रे एयर से किसी ऐसे मीडियम में जा रही है जो एयर के एस्पेक्ट में डेंसर है, रेयर टू डेंसर, क्योंकि रिफ्रेक्शन हो रहा है। तो स्पीड विल डिक्रीज एज वेल एज वेवलेंथ विल डिक्रीज, दोनों ही कम हो जाते हैं क्योंकि v इज इक्वल टू होता है n लैम्डा, n कांस्टेंट होता है तो v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इफ द रे पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम स्पीड विल डिक्रीज एंड सो लैम्डा विल आल्सो डिक्रीज। इंस्टेड डेंसर से रेयर में जा रही होगी लाइट रे, स्पीड विल इंक्रीज एंड सो लैम्डा विल इंक्रीज। तो ऐसा याद रखना चाहिए, यदि यहां लैम्डा दिया होता ऐसा बोलता वो कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज सपोज वो बोलता 5000 एंगस्ट्रॉम, सो व्हाट वुड बी द वेवलेंथ इन ग्लास। तो भी इसी तरह सॉल्व करते हैं, बस यहां क्या लिख लेते एम यू जी बराबर हम लिख लेते लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी, लैम्डा जी हमें फाइंड करना है तो लैम्डा जी बराबर हो जाएगा लैम्डा ए अपॉन एम यू जी। और जैसा मैंने यहां सपोज किया ये 5000 अपॉन 1.5 यानी 3/2 इसको सॉल्व कर देंगे 10,000/3 हो जाएगा, वो आंसर आप निकाल सकते हैं लैम्डा इन ग्लास। तो हाल फिलहाल इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम 2014 फेज 1 में पूछी हुई, वाइल लुकिंग एट एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस वन हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू द इमेज। ये बोला हुआ है कि किसी कॉन्वेक्स लेंस से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहे हैं और उस लेंस का आधा हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है तो इमेज का क्या होगा, हाफ ऑफ द इमेज इज विजिबल। कुछ लोगों को लगता है कि लेंस आधा हो गया है तो इमेज भी आधी दिखाई पड़ेगी, ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इमेज विल बी इन्वर्टेड ऐसा भी कुछ नहीं होगा, यदि पहले इरेक्ट थी तो अभी भी इरेक्ट ही दिखाई देगी। वन कैन सी एन इमेज ऑफ स्मॉलर साइज ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो आंसर सही है इसका यह है बी, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिमिनिश्ड। क्यों, क्योंकि इसका अपर्चर हाफ हो गया, अपर्चर हाफ हो गया है और इसलिए इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, इंटेंसिटी विल डिमिनिश्ड, वो कितनी जाएगी 1/4 क्योंकि इसका अपर्चर मतलब अब केवल इसके आधे हिस्से से ही लाइट का रिफ्रेक्शन हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी लेंस को हम ब्लैक पेंट कर देते हैं उसके कुछ हिस्से को या ब्लैक पेपर चिपका देते हैं तो रिफ्रेक्टिंग एरिया कम हो जाने से इमेज कम इंटेंसिटी की दिखाई देती है। इसे एक बात और ध्यान रखेंगे कि किसी लेंस का एक पीस भी अपने आप में कंप्लीट लेंस होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं ये लेंस है क्या, तो अभी भी आपको आंसर करना है यस दिस इज अ लेंस। किस टाइप का लेंस है ये, तो बोलेंगे कॉन्वेक्स, क्योंकि ये कॉन्वेक्स का हिस्सा है, ये इतने हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ। तो किसी लेंस का कोई भी छोटा सा पार्ट भी एक कंप्लीट लेंस होता है। एंड सेम इज ट्रू विद मिरर, किसी मिरर का कोई पीस होगा तो वो भी अपने आप में कंप्लीट मिरर होता है, बस फर्क ये है कि उसका रिफ्रेक्टिंग लेंस के लिए और मिरर के लिए रिफ्लेक्टिंग एरिया कम हो जाने से अपर्चर